हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने राज्य सचिवालय के बारे में जाना कि प्रत्येक राज्य का जो है वो अपना शासन सचिवालय होता है, जहाँ पर मुख्यमंत्री उसके राज्य विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह वहाँ पर बैठते हैं, नीति निर्माण विधायी कार्य जो है वहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो है वो जो विभाग की बात मैं कर रही हूँ, उन विभागों का निर्माण जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही करते हैं और इन विभागों द्वारा राज्य का जो शासन है वह संचालित किया जाता है। तो हमने जो है वो लास्ट वीडियो में ये जाना कि राजनीतिक स्तर पर राज्य सचिवालय में सबसे सर्वोच्च मुख्यमंत्री होता है और सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो है मुख्य सचिव होता है। तो इसी की बात हम आज करने वाले हैं, मुख्य सचिव की। ठीक है, कि इनके जो है वो क्या कार्य रहते हैं, इनकी नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा की जाती है और इसके अलावा कौन कौन से मुख्य सचिव जो है वो राजस्थान में, उनका समय जो है वह क्या रहा, सबसे पहली महिला मुख्य सचिव कौन रही। ठीक है, किसका कार्यकाल जो है वो सबसे अधिक रहा मुख्यमंत्री के शासनकाल में। तो ये सभी जो है, जो भी मैंने अभी बताया, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुख्य सचिव से संबंधित पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उषा शर्मा, ये हमारे राजस्थान की नई मुख्य सचिव जो है वह है, बनी है। ठीक है, ध्यान रखें जो मुख्य सचिव निरंजन आर्य थे तो अब वो नहीं है, रिटायर्ड हो गए और उनके बाद जो है वर्तमान में अभी श्रीमती उषा शर्मा है। ठीक है, 31 जनवरी को ही, अभी जो 31 जनवरी थी उस समय निरंजन आर्य जो हैं रिटायर्ड हो गए और रिटायर होने के बाद जो हैं जो सीएम है हमारे अशोक गहलोत, तो इनके जो हैं वो सलाहकार इन्हें बनाया गया। ठीक है, राजस्थान में करीब जो है वो 12 साल बाद कोई महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक है, उषा शर्मा जो है ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है, ध्यान में रखिए, क्योंकि राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव जो थी वो श्रीमती कुशल सिंह थी। ठीक है, तो इसीलिए श्रीमती उषा शर्मा जो है, जो कि 12 साल बाद दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है, तो ये जो है नया क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, कि राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन है, तो आप आंसर बताएंगे श्रीमती उषा शर्मा। तो चलिए अब हम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। राज्य सचिवालय में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य सचिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सभी सचिवों का ये मुखिया होता है, जो कि हमने जब एक चार्ट देखा था, जो कि प्रशासनिक स्तर का ढांचा मैंने आपको बताया था, जिसमें सब सर्वोच्च जो स्थान होता है वह मुख्य सचिव का ही होता है, उन सभी सचिवों का मुखिया कहलाता है। कौन कौन से, जो कि हमने अतिरिक्त मुख्य सचिव देखे, उसके बाद हमने जो है वो शासन सचिव देखा, शासन सचिव के बाद जो है वो हमने संयुक्त सचिव, वो उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, ठीक है, फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी, इन सब का जो है वो मुखिया कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। सचिवालय का किंग पिन होता है। अब देखिए ये लाइन जो है वह है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये आ चुकी है कि राज्य सचिवालय का किंग पिन कौन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मुख्य सचिव है वह राज्य सचिवालय का किंग पिन होता है और वह सभी विभागों का नियंत्रण करता है। तो किंग पिन होता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि यानी कि राजा है, सभी विभागों पर नियंत्रण करता है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठतम अधिकारी जो है यही होता है मुख्य सचिव, और राज्य में जो नीति निर्माण है, नियंत्रण है, प्रशासकीय नेतृत्व की बात हो गई, विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने जैसे कार्य हो गए, तो इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ये करते हैं। तो विभागों के बारे में मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर विभागों का निर्माण करते हैं, तो ये इन सभी विभागों को नियंत्रित करता है। अपने राज्य की ओर से संघीय सरकार और अन्य राज्य सरकारों से संचार सूत्र का कार्य करता है। एक राज्य है उसका केंद्र के साथ और एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो भी आवश्यक संचार होना है, तो ये कार्य जो है वो मुख्य सचिव के द्वारा
किया जाता है, ठीक है। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी शासकीय संवाद होते हैं उसका औपचारिक चैनल जो है वो इसी को कहा जाता है। चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव राज्य में लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, तो यह राज्य लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, और सरकारी जो भी नियुक्तियां होती हैं और जो ट्रांसफर होते हैं, पद मुक्तियां होती हैं, इन सभी की शक्ति जो है वह इसमें निहित होती है। मुख्य सचिव का पद सिलेक्शन पद माना जाता है क्योंकि ये लोग जो हैं वो बहुत ऊंची पोस्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी जो किताबें हैं इनको पढ़कर जो है ये पद जो है वो हासिल किया है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम जो है वो फाइट करके यहाँ पर बहुत सारे अनुभवों के साथ ये आते हैं। तो व्यवहार में मुख्य सचिव या तो मुख्य सचिव के पद से जो है ये रिटायर हो जाता है या इसे केंद्र सरकार में और अधिक महत्वपूर्ण पदों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको इतना ज़्यादा अनुभव होता है कि रिटायर होने के बाद भी इनसे जो है बहुत सारे प्रशासनिक जो मामले होते हैं उनसे संबंधित राय जो है वह ली जाती है। तो इस चीज़ को समझिए कि कितने अनुभवी लोग ये रहते हैं, ठीक है। और इनका चयन जो है वो राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तो मुख्यमंत्री जो है उसके समझिए प्रसाद पर्यंत जो है ये पद पर बने रहते हैं। इनकी मुख्य सचिव का कार्यकाल है या सेवा अवधि है तो मुख्यमंत्री के साथ इसके संबंधों पर ही निर्भर करती है। और कहते हैं कि राज्य प्रशासन को यदि बहुत अच्छे से प्रभावी ढंग से चलाना है तो उसके लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री और जो मुख्य सचिव है इनके बीच में बहुत ही अच्छे संबंध जो है वह होने चाहिए। तो देखिए इसी वजह से जो निरंजन आर्य जो अभी मुख्य सचिव रहे थे तो ये जो है वो रिटायर्ड हो गए, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद भी अशोक गहलोत के सलाहकार भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज से ही ये अंदाजा हो जाता है कि रिटायर्ड होने के बाद भी इनके अनुभवों को जो है शामिल किया जाता है। मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, राजस्थान कैडर का ये सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है। उसके बाद देखिए मुख्य बातें कि मुख्य सचिव में ऐसी क्या-क्या बातें होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति करें। तो एक तो ये बात हो गई कि मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भरोसा जो है वो उस व्यक्ति पर होनी चाहिए जो कि उसका सलाहकार बनेगा, ठीक है। हर तरीके से उस पर विश्वास जो है वह रहना चाहिए। जिस पोस्ट पर उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहे हैं उसके वो योग्य होना चाहिए, उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। अब देखिए आईएएस अधिकारी जो है उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है प्रशासन से संबंधित, क्योंकि वो उन किताबों को जो है वह पढ़कर आया है बहुत अच्छे तरीके से, तभी तो इतनी बड़ी पोस्ट जो है वह वहाँ पर पहुँचा है। अब हम देखते हैं कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं इनका जो है वो नेताओं के साथ जो है वह अच्छे संबंध रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हर जगह आप देखेंगे तो कि उस आईएएस अधिकारी का उस नेता से अच्छी बातचीत जो है उसके साथ रहती है, ठीक है। क्योंकि इनका जो है नेताओं से मिलना जुलना होता ही रहता है, तो कई बार तो बहुत सालों तक अच्छे संपर्क होने की वजह से उस आईएएस अधिकारी को भी मुख्य सचिव जो है वो मुख्यमंत्री बना देता है, ठीक है। तो ऐसी ही मुख्य बातें और क्या हैं, देखिए अधिकारी की वरीयता, यहाँ पर उसकी वरीयता देखी जाएगी तो मुख्यमंत्री इस बात पर बहुत ध्यान देगा। अधिकारी का सेवा अभिलेख यानी उसका जो भी रिकॉर्ड रहा है सेवा काल में, उसका जो भी रिकॉर्ड रहा है कितना अच्छा है ये देखा जाएगा, उसमें कितनी योग्यता है, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, ठीक है, क्या स्किल है उसकी, क्या क्वालिटी है, तो ये सब कुछ जो है उसके अंदर देखी जाएगी। मुख्यमंत्री का उस अधिकारी में कितना विश्वास है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि मुख्यमंत्री का उस पर विश्वास ही नहीं है उस अधिकारी पर तो वह उसे मुख्य सचिव नहीं बनाएगा, क्योंकि हर चीज के लिए मुख्यमंत्री को उस पर डिपेंड रहना पड़ता है, हर बात जो है वह उससे पूछकर करनी पड़ती है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर ये जो अधिकारी है इसको हर बात की नॉलेज है, ठीक है। मुख्यमंत्री के स्वविवेक पर निर्भर करता है, तो मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये समझिए कि मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही जो मुख्य सचिव है उसको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री का ये बहुत बड़ा जो है वो सहयोगी होता है
सलाहकार होता है, जो कि हमने देख लिया कि जो वर्तमान में अभी जो है किसको बनाया गया है मुख्य सचिव, मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जो उषा शर्मा है उनको बनाया गया है राजस्थान की मुख्य सचिव, ठीक है, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। तो जो निरंजन आर्य थे इससे पहले मुख्य सचिव, रिटायर्ड होने के बाद भी अशोक गहलोत के जो है वो सलाहकार बनाए गए हैं, तो रिटायर्ड होने के बाद भी इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत रहती है। ऐसा नहीं होता है कि रिटायर होने के बाद इनको नहीं पूछा जाएगा, तो या तो जो सेंट्रल में इनको जो है वो अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर और भी जो महत्वपूर्ण पद होते हैं यहाँ पर इनको स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। मुख्य सचिव के कार्य और भूमिका, तो क्या क्या कार्य रहते हैं इनकी, राज्य प्रशासन का ये केंद्र बिंदु है, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि बिल्कुल राज्य प्रशासन के केंद्र में है ये जो है जो भी सचिव है इन पर कंट्रोल जो है वह ये रखता है, प्रशासनिक कार्य जो है वह इसके द्वारा ही मुख्यमंत्री के आगे पेश किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए, मुख्य सचिव एक सलाहकार के रूप में, तो मुख्य सचिव जो कि मुख्यमंत्री का प्रमुख सहयोगी होता है, सलाहकार होता है, जो भी सलाह मांगी जाए मुख्यमंत्री के द्वारा तो ये फटाफट से पेश कर देता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय के मुखिया के रूप में भी कार्य करता है, तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह मंत्रिमंडल की बैठक की तिथि, समय और स्थान तय करता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल की बैठक यहाँ पर अध्यक्षता कौन करता है, तो हमने जब मुख्यमंत्री का टॉपिक पढ़ा था तब हमने ये जाना था कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल, ठीक है, यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो इस बैठक की तिथि, समय और स्थान वो किसके द्वारा तय किया गया है, तो वह जो सचिव है मुख्य सचिव उसके द्वारा तय किया गया है, ठीक है। यह राज्य मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वह मंत्रिमंडल की बैठकों का जो एजेंडा होता है वो तैयार करता है, बैठकों की व्यवस्था करता है, ठीक है, और जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, और जो बैठकों में जो भी पेश किए जाने वाले मामले हैं चाहे किसी भी विभाग से संबंधित हों, तो मुख्य सचिव के माध्यम से ही आगे जो है वो पेश किए जाते हैं, ठीक है। तो मंत्रिमंडल को जो है यह नीति संबंधी जो है वह भी सहायता देता है, सलाह देता है, बैठक की कार्य सूची जो है वह इसी के द्वारा तैयार की जाती है, जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसका रिकॉर्ड जो है वह इसके पास ही रहता है, सभी सदस्यों को इसकी सूचना भेजी जाती है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल को नीति निर्माण, कोई भी नीति बन रही है तो उसकी सलाह और सहायता किसके द्वारा दी जाएगी, मुख्य सचिव के द्वारा दी जाएगी। मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में वह सचिव की हैसियत से हिस्सा लेता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में जो मुख्य सचिव है वो एक सचिव की हैसियत से ही हिस्सा लेगा। संसदीय व्यवस्था में नीति निर्माण का दायित्व मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का होता है, संसदीय व्यवस्था में, ठीक है। हमने देखा था कि व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है राज्य सरकार के अंग में, ठीक है। तो जो संसदीय व्यवस्था है उसमें नीति निर्माण का दायित्व किसका है, मुख्यमंत्री का है और उसकी मंत्रिमंडल का है, लेकिन वे ये कार्य मुख्य सचिव और उसके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनकी सहायता के बिना कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि समन्वयक के रूप में क्या कार्य होते हैं, तो मुख्य सचिव जो कि राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है, तो यह एक प्रमुख समन्वयक भी कहलाता है, ठीक है। इसे राज्य के किसी भी विभाग से संबंधित किसी भी मामले की जो पत्रावली होती है उसके निरीक्षण का अधिकार होता है। कई राज्यों में मुख्य सचिव योजना विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग का सचिव होता है, जिससे वह समन्वय का कार्य अधिक कुशलता से कर सकता है। राज्य में सचिवों की बैठक की अध्यक्षता जो है इसके द्वारा होती है। राज्य की राजधानी में अनेक बार जिला क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता जो है वह मुख्य सचिव करता है, और मुख्य सचिव जिला कलेक्टर के जो कार्य होते हैं उन पर भी कंट्रोल रख सकता है, ये उसका जो है
ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह जिला कलेक्टर के कार्यों के बारे में पूरी जो है वो जानकारी रखे। संपूर्ण राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है। अपने राज्य की ओर से संघीय सरकार और अन्य राज्य सरकारों से यह संचार माध्यम का कार्य करता है। तो ये मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में जो भी शासकीय संवाद है उसका ये औपचारिक चैनल होता है। ठीक है, कोई भी मतभेद हैं, कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी बातें हैं, उनके जो भी मामले होते हैं, वो मुख्य सचिव की सलाह जो है उसमें ली जाती है। उसके बाद देखिए मुख्य सचिव विभाग अध्यक्ष के रूप में। तो देखिए राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर जो है वो विभागों का निर्माण करते हैं। तो इन विभागों का जो अध्यक्ष है, जो कि राज्य शासन का संचालन कर रहे हैं, तो इसमें इसका जो अध्यक्ष है वह कौन है? मुख्य सचिव। ठीक है, विभागों के महत्वपूर्ण मामलों में जो अंतिम निर्णय होगा वो इन मुख्य सचिव का ही होगा। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पर राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्य सचिव की भूमिका। अब देखिए कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाता है, तो पूरे राज्य प्रशासन के संचालन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो ये मुख्य सचिव ही होगा। मंत्रिमंडल की अनुपस्थिति में सभी महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो इसी के द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, और सभी सचिवालय विभाग जो है वो इसके निर्देशन में ही काम करेंगे। राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्य सचिव राज्यपाल के निर्देशन में कार्य करता है और मंत्रिमंडल के अभाव में एक प्रकार से इस अवधि में संपूर्ण राज्य प्रशासन के संचालन की जो जिम्मेदारी है उसका निर्णय ये करता है। राजनीतिक कार्यपालिका की अनुपस्थिति में वही वास्तविक सर्वे सर्वा बन जाता है, जबकि राज्यपाल सैद्धांतिक रूप से मुख्य कार्यपालिका बना रहता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो है वो जैसे ही लागू किया जाता है तो मंत्रिमंडल जो है वो उसकी जो है वो बैठक करना जो है वो संभव नहीं रहता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होंगे वो इन मुख्य सचिव के द्वारा ही लिए जाएंगे। उसके बाद देखिए आपातकाल में मुख्य सचिव का रूप। संकट की घड़ी से ठीक प्रकार से निपटने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनेक समितियों का गठन किया जाता है। आपातकाल में क्या होता है कि राज्य स्तर पर अनेक समितियों का गठन कर दिया जाता है ताकि राजकाज का जो भी काम है उसमें रुकावट ना आए। तो उन समितियों में वह किसी भी सदस्य तो किसी में अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो कहीं पर वो सदस्य के रूप में कार्य करता है और कहीं पर वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जिस वजह से जो है वो जो भी राज्य में प्रशासनिक कार्य हैं वह उसमें रुकावट ना आए। अन्य कार्य देखिए, जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी ये कार्य करता है। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अवशिष्ट का मतलब ये अवशिष्ट आप वो मत समझिए जो कि कोई भी चीज खराब हो जाती है तो उसमें हम डाल देते हैं। ठीक है, वो नहीं है ये। अवशिष्ट वसीयतदार का क्या मतलब है कि कोई भी विषय हो गया, कोई मामले हो गए जो कि किसी भी विभाग के अंडर में नहीं आ रहे हैं, तो वे सभी मामले विषय जो हैं वो मुख्य सचिव के अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, इनके नियंत्रण में आ जाएंगे। तो इसीलिए अवशिष्ट वसीयतदार की संज्ञा इसे दी गई है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। 1798 से 99 में लॉर्ड वेलेजली ने मुख्य सचिव का पद सृजित किया था। ठीक है, और उस वक्त जो है वो ये केंद्र सरकार से प्रारंभ हुआ था लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था। प्रथम मुख्य सचिव उस वक्त जॉर्ज हिलेरी बार्डलो को बनाया गया। प्रथम मुख्य सचिव बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एग्जाम में आ सकती है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने। तो 13 अप्रैल 1949 को के राधा कृष्णन को राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बनाया गया। ठीक है, और 2 मई 1950 तक जो है ये मुख्य सचिव रहते हैं। प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव किसे बनाया गया? श्री किशनपुरी को, और ये 30 दिसंबर 1954 से 12 जनवरी 1957 तक ये रहते हैं मुख्य सचिव के पद पर। ठीक है, इसी तरीके से जो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव जो कि श्रीमती कुशल सिंह थी। ठीक है, याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए 1958 में प्रथम बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान कैडर से मुख्य सचिव की शुरुआत हुई। तो राजस्थान कैडर से जो मुख्य सचिव की शुरुआत हुई वो कब से हुई? 1958 से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1958 में प्रथम बार राज्य सरकार द्वारा जो है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति जो है वो मुख्य सचिव के तौर पर की गई। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा मुख्य सचिव के पद पर? भगत सिंह मेहता का। तो देखिए 9 मई 1958 से 29 सितंबर 1964 तक बने, 6 वर्ष 4 माह 15 दिन, ठीक है। 16 जनवरी 1965 से 29 अक्टूबर 66 तक बने, 1 वर्ष 9 माह 14 दिन तक। फिर देखिए सर्वाधिक समय मुख्यमंत्री के काल में मुख्य सचिव रहे कौन? विपिन बिहारी लाल माथुर। 19 मार्च 1986 से 31 जनवरी 1992 तक रहे। पहली महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह रही। वहीं पर दूसरी जो महिला जो मुख्य सचिव रही हैं वह कौन है वर्तमान में? श्रीमती उषा शर्मा। इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो आप लोगों का पूरा होता है। और एक लाइन और याद रखिएगा कि जो राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव का जो रिटायर्ड आयु है वो कितनी होती है? तो वो 60 वर्ष होती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मुख्य सचिव का जो कार्यकाल जो है वह कितना होता है? तो बिल्कुल कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहली महिला मुख्य सचिव कौन रही राजस्थान की? श्रीमती कुशल सिंह रही। इस तरीके से पूछा जाएगा राज्य सचिवालय के क्या कार्य होते हैं? तो हमने देख लिया प्रशासनिक तौर पर जो है वो राज्य का संचालन करना होता है, नीति बनाना होता है, जनसंपर्क जो है वह अधिकारी भी कहलाता है मुख्य सचिव, ठीक है। और इसी तरीके से घुमा फिराकर जो है वह आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो चलिए बार बार रिवाइज करिएगा, फैक्ट जो है इनको याद करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।